हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में। दोस्तों, इस बार आपको पता है पिछली बार से कुछ अलग जो है कि इस बार पेपर होने वाला है, और इस बार दोस्तों एग्जाम के पैटर्न में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इस यहाँ जो है कि पेपर में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसा कि दोस्तों पिछली बार पेपर में आपको पता है भाषा अर्हता 100 अंक का हुआ था और बाकी सब 120 का, और मेरिट जो बनी थी दोस्तों 120 अंक वाले पे बनी थी। लेकिन दोस्तों इस वाले भर्ती में पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है बीपीएससी ने, और दोस्तों इसी पैटर्न को जानेंगे कि किस तरह जो है कि इस बार परीक्षा होने वाली है, और दोस्तों कितने प्रश्न होने वाले हैं, और कितना समय आपको मिलने वाला है, और कुल कितने अंकों का ये पेपर होने वाला है, और दोस्तों 6 से 8 और 9 से 10 और 11-12 में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताते हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इसमें लगभग कुल कितने विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर इधर विषय की बात किया जाए तो भाषा अर्हता है दोस्तों, भाषा अर्हता से आपसे 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने? भाषा अर्हता से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सामान्य अध्ययन से आपसे पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों जो विषय होगा आपका, जैसे आप बीएससी किए हैं मैथ से हैं तो आपको मैथ से, अगर विज्ञान से किए हैं तो विज्ञान का, और इस तरह जो कि अगर जनरल स्टडी से हैं तो उससे में दोस्तों आपको विषय से संबंधित 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर कुल अंक की बात किया जाए दोस्तों तो 40, 30, 70 और 80 अगर आप मिला लेते हैं तो टोटल जो है कि अंक दोस्तों ये 30 अंक का होगा, और ये जो है कि 40 अंक का होगा, और ये दोस्तों 80 अंक का। अगर सभी को मिला देते हैं तो टोटल जो अंक होने वाले हैं कुल जो है कि 150 अंक के आपके पेपर होने वाले हैं। ठीक है, और समय की बात किया जाए तो समय आप यहाँ आपको 2.5 घंटे समय दिया जाएगा। ठीक है, कितना? 2.5 घंटे का टोटल समय होगा, और आपको जो है कि भाषा से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, सामान्य अध्ययन से 40 एवं विषय से आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और हर एक प्रश्न जो है कि एक एक नंबर का होगा, और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और भाषा वाले में दोस्तों लगभग आपको पासिंग पास होने के लिए 30% नंबर लेके आना होगा। कितना? 30%, यानी 30 प्रश्नों में से अगर आप 30% नंबर लेके आते हैं तब जो है कि बाकी सब ये आपके स्कोर काम आएंगे, नहीं तो ये दोस्तों अगर आप इसमें फेल हो जाएंगे तो समझ लीजिए आप पूरा जो है कि पेपर ही फेल हो गए। तो भाषा अर्हता में दोस्तों 30 नंबर, और 30 नंबर में भाषा अर्हता में हिंदी के अंक होंगे, और जो है कि आपको इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी से और इंग्लिश से। इंग्लिश से बीपीएससी चेयरमैन द्वारा बताया गया लगभग 5 या 4 ही प्रश्न रहेंगे, और बाकी सब कितने रहेंगे? हिंदी से रहेंगे। ठीक है, और इस तरह का जो है कि पूरा आपका पेपर का सिस्टम होने वाला है, और आप देख सकते हैं कुल अंक 150 और समय जो है कि दोस्तों आपको 2.5 घंटे मिलने वाले हैं, और ज़्यादा समय नहीं है। और ज़्यादा समय नहीं होने से पहले अगर आपको पता, अगर सिलेबस अगर आपको पता हो जाए कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि दोस्तों आप पिछली बार भर्ती देखे थे उसमें जिस प्रकार से पेपर आया था तो आपको डिफिकल्टी का लेवल पता चल गया होगा कि किस तरह जो है कि पेपर जो है कि बीपीएससी बनाता है। दोस्तों पहली बार जब एग्जाम हुआ था तो बहुत ही कठिन पेपर लगा था सभी को, लेकिन अब जो है कि बीपीएससी ने बोला था कि जो कठिनाई होगी उसको भी कम किया जाएगा। अगर यहाँ बात करें हम लोग दोस्तों, तो यहाँ पे जो अभी मैंने बताया आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में होगा, एक में 30 प्रश्न, एक में 40 और 80। ठीक है, टोटल 2.5 घंटे समय मिलेंगे, कुल 150 अंक होगा। अगर बात करें दोस्तों 6 से 8 तक, तो 6 से 8 के बीच में आपको मतलब क्या क्या पढ़ना है और किस तरह जो है कि क्वालिफिकेशन मार्क होने वाले, जैसे कि अभी हमने बताया कम से कम 30% भाषा 1 में होना चाहिए। ठीक है, और भाषा 1 में दोस्तों अगर जो हिंदी चुनते हैं तो हिंदी, और जो जिनका उर्दू है उर्दू और बंगला, तीन जो है कि सब्जेक्ट वहां भाषा वाला रहेगा, उस भाषा वाले सब्जेक्ट में आपको हिंदी उर्दू और बंगला चूज करना होगा। ठीक है, अगर भाग 2 में बात करें, ठीक है भाग 2 में बात करें दोस्तों, तो सामान्य अध्ययन के लिए जो है कि आपसे प्राथमिक गणित पूछी जाएगी, मानसिक क्षमता परीक्षण आपसे पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता यानी रीजनिंग, उसके बाद विज्ञान भी दोस्तों पूछा जाएगा, और सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है कि एक टॉपिक है हिस्ट्री का, वहां से पूछा जाएगा, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। अब देखिए दोस्तों लगभग आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप पूरा जीएस पढ़ेंगे तो वो जो है कि अगर आप मान लीजिए अगर आप एसएसटी से हैं,
एसएसटी से हैं तो आप एसएसटी पढ़ते हैं तो ये वाली भी आपकी तैयारी हो जाएगी। थोड़ा सा आपको रीजनिंग और क्या मैथ पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब एसएसटी की तैयारी यहीं से हो जाएगी। लेकिन जो अदर ब्रांच के हैं उनको ये भी पढ़ना पड़ेगा और अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर भाग तीन में बात करें दोस्तों, तो भाग तीन में 6 to 8 में क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है विषय। अगर दोस्तों आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, जो कंबाइनेशन है, वो कंबाइनेशन वाले सब्जेक्ट आपको चूज करना है। अगर आपका ग्रेजुएशन में गणित से है या साइंस से है तो ये आपको चुनना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप हिस्ट्री से हैं, उसके बाद जियोग्राफी से हैं और पॉलिटी वगैरह है, या उधर कोई सब्जेक्ट है जो कंबाइनेशन में आपके आता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी, ये सारे जो है कि भाग थर्ड में आपसे पूछे जाएंगे, जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो कंबाइनेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, भाग थर्ड में। और यहाँ देखेंगे दोस्तों भाग थर्ड जो यहाँ एक और दिया है, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए विषय पत्र उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसा कि आप ऊपर जो था यहाँ भी पिछड़ा वर्ग के लिए दिया गया, ठीक है। यहाँ पे मध्य विद्यालय अध्यापक के लिए और पिछड़ा वर्ग विद्यालय के लिए, दो तरह के हैं, ठीक है। अगर यहाँ दोस्तों बात करें कि जो ये पूरा पेपर जो आपका आएगा, जो सिलेबस है वो कहाँ से आएगा, तो यहाँ से साफ साफ लिखा गया जो पाठ्यक्रम होगा वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का मेल करके आएगा, यानी एनसीईआरटी भी पढ़ने हैं, एससीईआरटी पढ़ने, दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा और टाइम ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो ये जो है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी के होंगे, लेकिन जो लेवल होगा वो लेवल न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अगर आप दोस्तों बीएससी किए हैं तो आपका लेवल बीएससी लेवल का होगा, अगर आप बीए किए हैं तो आपका लेवल क्या होगा, बीए लेवल का हो जाएगा। यानी इतना समझ के चलिए कि जो आपसे विज्ञान पूछे जाएंगे, चाहे मैथ पूछे जाएंगे, मैथ तो आपके प्राथमिक ही रहेंगे, लेकिन मैं बात करता हूँ अगर सामाजिक विज्ञान, अगर ये अंग्रेजी वगैरह, और उसके बाद आपके और सब्जेक्ट जो होंगे भूगोल वगैरह और विज्ञान वगैरह, ये कुछ हाई लेवल से पूछे जा सकते हैं, जैसा कि पिछले बार में पूछा गया था, ठीक है। तो न्यूनतम अर्थ अवलोक में जो है कि अधिक से अधिक पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों 6 से 8 में आपको यही पढ़ना होगा, और ये जो है कि पूरी आप रणनीति बना करके अब तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर यहाँ बात करें दोस्तों 9 से 10 के लिए, ठीक है, 9 से 10 के लिए भी अगर वही बात करें तो भाषा में पास होने के लिए आपको 30 अंक चाहिए, और सामान्य अध्ययन के पत्र में जो मेन उसमें मैंने बताया था, इसमें भी वही शामिल है, और थर्ड वाले में भी दोस्तों आपकी जो सब्जेक्ट है कंबाइनेशन है वो इसमें आपको शामिल करने पड़ेंगे, और जितने सारी भाषाएं हैं उसमें जैसे मैथिली, शारीरिक शिक्षा, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, जो आपका क्वालिफिकेशन है वो इसके अनुसार आपको चूज करना होगा। और ये अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही है, जैसा कि ऊपर वाला भाग थर्ड है, ये भाग थर्ड पिछड़ा वर्ग और अति विशेष वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां हो रही है उसके अंतर्गत जो है कि यही वाला जो है कि मामला शामिल होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखेंगे दोस्तों 11 से 12 के लिए, तो सेम पैटर्न यहाँ भी है दोस्तों 11 से 12 के लिए भी, इसमें भी 30 अंक चाहिए आपको। ये भी दोस्तों आपको पूरा जैसा कि फर्स्ट वाले में है, सेकेंड वाले, थर्ड वाले में, ये सबके लिए जो कि भाग टू बराबर प्रश्न पूछे जाएंगे, और भाग थर्ड के जो प्रश्न है दोस्तों ये कुछ अलग होंगे, जैसा कि मैंने बताया आपका जो कंबाइनेशन बनता है उस हिसाब से जो भाग थर्ड वाला आपसे पूछा जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका सिलेबस और कितना समय आपको पेपर देना होगा और क्या क्या जो है कि आपसे पूछा जाएगा और कितने जो है कि प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और पैटर्न दोस्तों क्या बदला हुआ है, तो पैटर्न दोस्तों यही बदला है कि सबसे पहले हुआ करती थी 2 दिन परीक्षा, लेकिन अब परीक्षा होगी 1 दिन। पहले होता था दोस्तों 100 नंबर का भाषा और 120 नंबर का आपका जीएस यानी सेकेंड वाला पार्ट। अब जो होगा दोस्तों एक ही पेपर होगा, इसमें भाषा के 30 प्रश्न कर दिए गए हैं और 40 प्रश्न और 80 प्रश्न, कुल मिला के दोस्तों 150 प्रश्न कर दिए गए हैं, और पेपर दोस्तों 1 दिन होगा। तो अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सही बात है, क्योंकि महिलाएं दोस्तों एक स्टेट से या दूसरे स्टेट से या बिहार की ही महिलाएं 1000 किलोमीटर दूर जा रही थी, तो इससे दोस्तों परेशानी हो रही थी। बीपीएससी ने जो है कि इन फेसों को जो है कि महसूस किया और उन्होंने जो जितनी सारी दिक्कतें आ रही थी फर्स्ट फेस में उन सभी को उन्होंने कैलकुलेट किया और उसी के अनुसार इन्होंने क्या कर दिया, 1 दिन पेपर किया, और ये बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।